हमारे गाइड साहब हैं। हमारे गाइड साहब देवेंद्र सर, आपका नाम क्या है? आपने क्या बताया था? शाहरुख है। ये शाहरुख खान। पहले भी आए हैं आप लोग? नहीं सर, हमारा पहला है ये। चलो जी, वेलकम आपका। हम बस यही चाहेंगे कि कुछ ना कुछ हम सीख के जाएं यहाँ से। बिल्कुल जी, वेलकम है आपका। तो सबसे पहले यहाँ से ना दो जोन है, ठीक है ना? एंट्रेंस एक ही है, जोन दो है। ये लेफ्ट राइट है, ढीला जोन है हमारा, सीधा रहेगा चिरना जोन है। ओके ठीक है। यहाँ से स्टार्ट है, जंगल पीछे से स्टार्ट है, यहाँ से सफारी भी स्टार्ट हो, ठीक है ना? दोनों तरफ देखते हुए चलना है, ठीक है ना? कोई एक पर्टिकुलर एरिया नहीं है किसी भी एनिमल का, नेचुरल हैबिटेट है सारा। लगभग 25 किलोमीटर का एक सर्कल होगा ये, उसे घूम के हम लोगों ने आना है, ठीक है ना? श्योर किसी भी एनिमल का नहीं है कि हम जंगल घूमने जा रहे हैं, उसमें जो भी एनिमल दिखेगा टोटल लग बाई चांस, लग बाई चांस। जंगल में 55 स्पीसीज है एनिमल्स, ठीक है? जिसमें टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, डियर, वाइल्ड बोर, बैर, ये सब, और 600 स्पीसीज है बर्ड्स की। अच्छा, अलग अलग टाइप्स की। जी, कुछ रूल्स भी है पार्क के, वो आपने फॉलो करते हैं, ठीक है? जैसे गाड़ी से नीचे नहीं उतरेंगे कहीं भी, कहीं भी किसी भी स्थिति, ठीक है? तेज आवाज में हमने बात नहीं करनी है, स्मोकिंग नहीं करना है, कोई रेफर वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है ना? बाकी देखते हुए चलो आप भी, है ना? जरूरी नहीं कि हमें ही दिखे ना, आपको भी दिख सकता है। जहाँ पे कुछ भी दिखता है आपको लगता है आप रुकवा सकते हैं, ठीक है ना? नाम हैबिटेट हमसे जान सकते हैं। बाकी 3-4 किलोमीटर का मेटल रोड है, आगे से हम फिर कच्चे ट्रैक से जाएंगे, ठीक है? क्या है कि जंगल भी बहुत डेंस है और बड़ा भी है ना, तो हमने वही एनिमल देखना है जो हमारे टाइम पे रोड पे होगा, रोड पे या रोड के थोड़ा सा आसपास मूवमेंट कर रहा, राइट टाइम राइट प्लेस। बाकी कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखे, है ना? बाकी चांस की बात है। ये कितने किलोमीटर की है राइड? वही बताया आपको ना, लगभग 25 किलोमीटर का होगा, मतलब 12.5 किलोमीटर अंदर जाएंगे। समझिए, एक गेट से कितनी जिप्सी एक दिन में जाती है? एक दिन में 60, सुबह 30 और शाम को 30, तीन सफारी होती है ना? मतलब जानवर को पता रहता है कि इस वाले रोड पे मूवमेंट्स रहती है, तो वो इसलिए दूर ही रहते होंगे मोस्टली। थोड़ा बहुत तो पता ही होगा जी। हाँ, कि एनिमल होते हैं हमारे आसपास ही है ना, लेकिन दिखते नहीं है क्योंकि उनका बिहेवियर होता है छुप के रहना, छुप कर, ठीक है ना? और कार्निवोर अपने आप को 99% छुपा के रखेगा, है ना? क्योंकि थोड़ा सा ओपन होता है वो, तो सारे एनिमल को देख के भाग जाएंगे या अलर्ट कॉल करने लगेंगे, है ना? तो उसकी मजबूरी है ना, अपना पेट भी भरना है उसको, ठीक है? डियर क्रॉस कर रहा, देखो लास्ट दिख रहा है, दूर है। डियर तो हमने बहुत देखे, अच्छा, क्योंकि हम उधर रहते हैं तो वहाँ पे भी रास्ते में डियर वगैरह दिखे, अच्छा। अब हमें हाथी भी दिखे, डियर दिख रहा है, तो मैडम डियर देख लीजिए, दूर खड़ा है डियर सामने रोड पे, अंदर की तरफ क्रॉस करते हुए देखना वीडियो चालू है ना, वो रहा देखो हीरा हिरन कितनी दूर से दिख गया था। हेलो 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 बीबी, को खा रहा है, देखो जल्दी से दिखा रहा हूँ मैं आपको, दो दो है ये, दो दो पिकॉक। देखा आपने, दोनों पिकॉक दिखाए हमने आपको, ये स्वागत कर रहे हैं जंगल का मुंह। ओहो, कच्चे रास्ते पे उतर चुकी है गाड़ी, कच्चे रास्ता शुरू हो गया, अब जंगल शुरू हो गया, यहीं तक था पक्का, अब ये कच्चा, इसको पकड़ के थोड़ा ना देख चुके, कच्चे एरिए सारे। तो भाई ये सारी चीजें, अब मेन जंगल शुरू हो गया है, डियर आ गया, डियर भाई साहब, डियर डियर तो बहुत दिख रहा है, मतलब डियर अच्छे खासे हैं। वो बारह सिंगा है, बारह सिंगा डियर है, सींग वाला मेल होगा, कोई भी डियर होगा, हाँ सींग वाला,
सींग वाला मेल डियर। ये 12 सिंगा कह सकते हैं इसको, ये कितना कौन सा सींग का 12 सिंगा होगा, 6 सिंगा 12 सिंगा का भाई है ये। ठीक है ठीक है, ये तो लग रहा है कि हिरन का ही जू है, बहुत सारे इधर ये देखो कितने सारे ऐसे घूम रहे हैं, ये देखो इधर भी है, ये देखो कितने पास में, ये देखो कितने सारे घूम रहे हैं। यहाँ से मेन ये सारा कच्चा रास्ता शुरू हो गया, पूरा जंगल में ही हम एग्जैक्ट। ये है खारा गेट, भाई जंगल की फील लो, कच्चे रास्ते पूरे कच्चे रास्ते जंगल की फील मस्त। मजा ही मजा, ऐसे नदियाँ नेचर नेचुरल, ये देखो ये नदियाँ ये चौबारा, बारिश दो दिन लगातार रही है, जैसे पेड़ टूट गया तो खुद ही डिस्ट्रॉय रहेगा और खुद ही नए पेड़ उगेंगे, वो नेचुरल प्रोसेस चलती रहेगी, छेड़छाड़ नहीं करते कुछ। अच्छा ये एलिफेंट का तोड़ फोड़ है सारा। हाँ तो वैसे नेचुरल भी टूट जाते हैं, हवा तेज होती है जब। क्या कर रहा है, भाग गया हिरन, भाग गया क्या, हाँ हाँ वो अंदर भाग गया, वो छोटा सा चिट्टू सा पैकेट को आपने, उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की जो आपने किया, तो काफी अच्छा लगा ये चीज़। तो कितना छोटा सा है बेबी, तो बच्चा देखो ना कितना छोटा है, बेबी हिरन कितना सा है, सिर्फ ही मुश्किल से 10 दिन का। इधर ग्रुप कितने सारे, कितने सारे हिरन है, नॉर्मल घूम रहे हैं, सही कहा भी हिरन बहुत ज्यादा इधर, हिरन ने तो आतंक मचा रखा है, टाइम पे देखेंगे इनके ना बच्चे ब्रीडिंग टाइम है ना उनका। अच्छा कौन सा टाइम है, ब्रीडिंग ब्रीडिंग। अच्छा देखो छोटे छोटे हिरन, ये भाई देखो पेड़ ही पेड़ जंगल के बीच में रास्ता, ये मेहता जी का कैमरा। तो भाई यहाँ पे टाइगर है लेकिन हमें दिख नहीं रहा, तो गाइस टाइगर है यहाँ पे फुल हो रही है, पता नहीं यहाँ पे बहुत लोग खड़े हैं, हमें कहीं नहीं दिख रहा अभी तक। हाँ दूरबीन में देखो आप, एक और जीप सी आ गई, एक और जीप आ गई तो वो भी यहीं रुकने वाली है, थोड़ा सा आगे करोगे तो भैया दिख जाएगा, चलो ट्राई करते हैं दिख गया थोड़ी सी, ये देखो भाई टाइगर दिख गया, फोकस में देखो सामने पीछे सेंटर में, इसमें देखो ना कैमरे में दिखता रहा कैमरे में देखो ना मेरे, अरे इसमें देखो, ये देखो देखो धीरज जी, धीरज जी ये रहा कौन है, ये रहा इधर सेंटर में उंगली के पास देखो ना, शेर हो रहा बुरा बुरा कैसे बैठा हुआ है ना, उठ गया ये तो, कितना सुंदर लग रहा है टाइगर भाई, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। फाइनली शेर तो दिख गया, ये किस्मत वालों को दिखता है, जहाँ में लिखा भी नहीं था कि हम वो भी इतनी बरसात में हमारा उड़ा तो कैंसिल ही हो जाए क्या पता, इतनी सारी जिप्सियाँ खड़ी है देखो। ठीक है, अच्छे रास्ते में चलते हुए हम
तो आगे बढ़ते हुए कच्चे रास्ते में चलते हुए। ये पेड़ देखो, हिरन तो ऐसे नॉर्मली घास में ऐसे घूम रहे हैं। भाई हिरन तो ऐसे घूमते रहते हैं यहाँ पे। हिरन देख लो फिर से, जैसे हमारे यहाँ पे गाय नॉर्मल घूमते रहती है, हिरन घूमते रहते हैं रोड चाहे कुछ भी हो। यहाँ पे मौज में है भाई हिरन तो। पत्ते खा रहा पत्ते, हाँ वो भी नए है ना, बाद में हार्ट शोर आगे उस पे तो, लेकिन बंदे भी चढ़े हुए इन पे, बंदे चढ़े हुए। और ये क्या है, कौन है इनके, ये हाथी भी दिख गए हैं और ये उसके ऊपर बैठे भी हैं महावत, इनके महावत मतलब मेरी बीवी राजी होगी हाथी देख के ना, एन ऐसे इसको हाथी चाहिए था, इसको कुछ नहीं शेर शोर से मतलब, इसको सिर्फ हाथी चाहिए भाई। हाथी दांत वाला हाथी है, सारे दांत वाले ये इनके महावत। इनको ना क्लियरली ओ माय गॉड, वो कैसे प्रोजेक्टर है, दो बोरे 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 चलता जा रहा, दूरबीन से दिखेगा। मैं तो यूं ही करूंगी गायब हो जाए। वो दिखा दिखा बंदर। ये कैंटीन है यहाँ से भाई, इधर ये कैंटीन बनी हुई है। तो भाई सिंपल कहाँ पे, हम जंगल के अंदर हैं। जंगल के अंदर, जंगल के अंदर भी कैंटीन बना हुआ है। और क्या ऑर्डर करें, शेर देख लिया, हाथी देख लिया, और कल तो इन्होंने दिखाई दिया था हमें हिरन, आज तो बहुत सारे देखे हिरन, तो थोक के भाव मिल रहे हैं इधर। मोर भी दिखाए थे कल, ऐसे नहीं बोलो, अपनी तरफ से देखी आज हमारे को दिखाई गई, आज हमने पैसों वाले देखे। ठीक है, क्या दिख जाता पानी, अभी वापिस जाएंगे, बस इतना आधा रास्ता होता है आधा जाने का होता है। आ रहे हम, हाथी हाथी हाथी, हाँ जो वहाँ पे वो भाग रहे थे ना, वो अब तक तो चले गए, वो रहे हिरन। जंगली सुअर वो जा रहा, जंगली सुअर दांत भी है उसके, तो इसमें कवर नहीं करना, नेल के होते हैं ना दांत। बीच में बंदर बैठा, वो सरपंच बन के बैठा हुआ वो मोर का ग्रुप है, इतने सारे मोर के बीच, मोरनियों के बीच में एक मोर, बढ़िया है। हिरन क्रॉस कर रहे हैं रास्ते भाई, इसमें स्टेबल नहीं रह पाते, अच्छा ये फंस गया, लकड़ी फंस गया। अच्छी लग रही है।
हंसी वाली, यहाँ देखो भाई साहब हिरन रोड पार करते हुए ये कर लिया पूरा। अच्छा बंदर ही बंदर, बंदर कितना छोटा सा हिरन भाग के अंदर, नहीं नहीं हिरन वगैरह बंदर वगैरह है ना। एक कुछ सीखा नहीं सीखा, एक चीज सीख ली, कॉल कॉल हाँ कॉल मतलब कोई जानवर अटैक करेगा, अटैक करता ना जानवर तो जैसे तो वो शोर मचाने लग जाते हैं तो पता लग जाता है, उनको अलर्ट कर देते हैं दूसरे को। तभी तो उसको जंगल का जो मोदी जी का शूट हुआ था वो कौन से वाले गेट पे हुआ था, निकाला निकाला में। अच्छा उसके तो पहले पूरा वो किया होगा ना, मतलब सिक्योरिटी और ये सब, फिर जाके शूट हुआ होगा, जानता है है ना, तभी खाता है ना वो मैनवासी वाला वाला, इसको पता होता है इसमें जहर है या प्रोटीन है, या इससे क्या मिलता है मुझे ना। ये देसी मुर्गा ना, दुनिया को हमने दिया क्या है, ये बोलेगा हमने दिया सबको चिकन। अच्छा दीमक घर बना लेता इन पेड़ों में जो ये डैमेज हो चुके होते हैं, ये दीमक का घर बना हुआ है, ये पेड़ है ना खत्म हो चुका है, तीन दुनिया से कट जाता है, कटक हो जाती है ना लाइफ। ये देखो भाई मस्त, ये सर्कल आ गया दोबारा, वही सर्कल आ गया, लोगों को मारा था उन्होंने एलिफेंट ने। अच्छा निजरानी एक जो ने ना पोस्ट मार्टम में हड्डियों का पानी आया था। अच्छा हड्डियों का क्या लाश भी जो है ना वो समेटनी पड़ी थी। अच्छा इतना बुरी तरह 2015 में हाथी क्या करता है ना कि पैर पे पैर रखेगा दूसरे पैर को चीर देगा और फिर जो जो चीरा हुआ है उनको भी पटकेगा ना, तो बहुत बुरी तरह से होता है वो हाथी का ये है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि साइकिल से जो चलते हैं ना उनके लिए बहुत रिस्की है, क्योंकि साउंड तो होता नहीं उस पर है ना, और सिंगल भी होता है आदमी उसमें, उनके लिए काफी रिस्क है, बाकी बात तो थोड़ा बहुत आवाज है मोर जाते हुए। सुंदर कलर है इसके, मोर क्रॉस करते हैं थोड़ा फाड़ी करना, इनके कलर इतने सुंदर, इसीलिए तो नेशनल बर्ड है ना। इको भी जबर नेशनल, राम राम से राम, इसलिए वो इतने नखरे होते हैं वो दिखते नहीं है। सुंदर भी है, अरे वाओ मस्त, अभी तो ठंड लग रही है। आज का डील लेके आयो हमारे व्यूअर्स के लिए, आज क्या डील लेके आए, तो अभी हमें जाके मिलेगी, अभी हम जयपुरा की डिमांड कर रहे हैं फिलहाल, हाथी हमारे पूरे हो गए, जयपुरा चाहिए हमारे को, आप तो मांग रहे हो आप कस्टमर को देना नहीं है, कस्टमर को देंगे नहीं अभी भैया, आप हमारे को दो। लास्ट डिनर विद मेहता, जो लास्ट भी हो यहाँ पे रिजॉर्ट में मैडम सर्व कर रही है, स्टार्टर मंगाया अभी, ले लो